को शील्ड कर रहे हैं, इनकी लाइसेंसेस कैंसिल कीजिए, ना सिर्फ फॉर लाइफ, ना कि सिर्फ लाइसेंस कैंसिल कीजिए बल्कि इनके खिलाफ FIR किया और इनको जेलों में भर दो। ये क्या सिर्फ 12 साल के बच्चे को पेस से लगाना होता है उसको जेल में भरना होता है? 12 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को जेल में भरना होता है पेस से लगाकर? इन लॉयर्स को जो जो क्रिमिनल्स है, जो रेपिस्ट को बचा रहे हैं, इनको आप पेस ही नहीं लगा सकते हो? क्या ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट में नहीं आता है? क्या ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है कि यहाँ पर आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ जाती है? यहाँ पर आपका पॉलिटिकल एक्टिविज्म कहाँ जाता है? यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस कहाँ जाते हैं? यहाँ पर आपके सिस्टम्स कहाँ जाते हैं? क्यों आप डबल स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं दिल्ली में जब निर्भया का केस था, और क्यों डबल स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं जब आप या कश्मीर में होता है या जम्मू में होता है? क्यों हमारे एक अष्टम हमेशा जब ये सिख भाई हमारे थे, जब इनका बड़ा दिन होता था तो मेरे कपड़े सिलते थे, क्योंकि मैं घर में लड़ाई करता विद है ना, छवि पाठ चाहिए तो मेरे भी नए कपड़े आते थे। ईद के दिन में नहीं रोता था, क्यों? क्योंकि मेरे सारे सिख दोस्त थे, मुझे इनके बड़े दिन पर कपड़े होने चाहिए, इनके ज्यादा बड़े दिन तो मुझे ज्यादा अच्छे कपड़े आते थे, नहीं तो मैं रोता था घर में। वो एक बकरबाल लड़की थी, बकरबाल बोरस, क्या अगर वो महबूबा मुफ्ती खुदा ने खासता तेम तुम कर खुदा सकते बिचारी को, अगर वो महबूबा मुफ्ती की या प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुदा ने खासता ऐसा ना हो, क्या अगर वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर की अपनी बच्ची होती तो उसके साथ यही ट्रीटमेंट मिलता? क्या हमको सड़कों पर आना पड़ता तब उसको जस्टिस मिलता? आज 3 महीने हो गए, 3 महीने से उनने कुछ नहीं किया, शील्ड किया उसको। आज 3 महीने के बाद आज इनके जो है मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं, 3 महीने के बाद। क्या 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 कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है? क्या कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है जिनको हु कैन ब्रिंग दीज बास्टर्ड्स टू द जस्टिस? क्या ये लोग बास्टर्ड्स नहीं है? क्या ये लोग रास्कल्स नहीं है? आसिफा, हम शर्मिंदा है, आसिफा हम शर्मिंदा है, कश्मीर स्टैंड्स फॉर आसिफा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी गवर्नेंस होती है ना, आई एम सॉरी इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, जब गवर्नेंस होती है तो गवर्नेंस इक्वली होती है हर एक सेक्ट के लिए गवर्नेंस इक्वली होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गुजर हो, बकरवाल हो, डोकरा हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी रीजन से हो। क्योंकि वो बेचारी बकरवाल औरत थी, तो आप यहाँ पर रेसिज्म कर रहे हो अपनी गवर्नेंस में? अगर वो कोई हाई प्रोफाइल होती, कोई इलीट लड़की होती, वेल कनेक्टेड होती, तो ऐसा हो सकता था क्या ऐसा? अगर वो सीएम की कोई रिलेटिव होती, पीएम की कोई रिलेटिव, तो ऐसा हो सकता था क्या? क्योंकि वो एक बकरवाल की बेटी थी, कोई किसी ने पूछा भी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा था। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आसिफा एक मुसलमान लड़की है, नहीं, अगर आसिफा एक सिख लड़की भी होती, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो, अगर आसिफा कोई क्रिश्चियन लड़की भी होती, और अगर आसिफा के साथ किसी मुसलमान ने ऐसा किया था, तो उसके साथ भी उसको भी चौराहे पर लटकाना चाहिए। पाकिस्तान में आपने जैनब का केस सुना होगा, उन्होंने फास्ट ट्रैक बेसिस पर उसको फांसी दी, उसकी सजा दी फास्ट ट्रैक। हम कहते हैं, इंडिया मीडिया कहता है, अर्नब गोस्वामी कहता है, NDTV कहता है, टाइम्स नाउ कहता है, आज तक कहता है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। जब उस फेल्ड स्टेट ने इतनी क्विकली जस्टिस डिलीवर किया, तो आप क्या हो? आप फेल्ड स्टेट नहीं हो, फिर आप क्या हो? आप तो बात करते हो बिगेस्ट डेमोक्रेसी, यही आपकी डेमोक्रेसी? इज दिस योर डेमोक्रेसी? हम सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अब जो भी पावर में है, हम लोग आम इंसान हैं। मैं कभी यहाँ पर कह दूं कि मैं कभी इलेक्शन में उठूंगा नहीं, ठीक है? यहाँ कहते हैं कि वास्तव में इलेक्शन पत्रा उन्होंने ओल्ड टाउनिक वोट अच्छा जिंदगी में वोट इतना मुंगमोती ओल्ड टाउनिक वोट मिनिस्टर अगर ये जाइए क्लियर कर देता हूँ, ओएस तंदा कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं हुआ है, न होगा इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से सिर्फ कि आप चाहे पॉलिटिकल कुर्सी पर बैठे हो, चाहे जुडिशियल कुर्सी पर बैठे हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक कुर्सी पर बैठे हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, आप लोग आवाज उठाइए और इस बेटी को, इस छोटी बच्ची को, अपने आप को शर्मिंदा न करो। आप अपने जो आपकी माँ की वोम है उसको शर्मिंदा ना करो, क्योंकि वो भी एक औरत थी। प्लीज फास्ट ट्रैक बेसिस पे इसकी जो
जो आसिफा है इसके इसके जो रेपिस्ट है इसके जो किलर्स है उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पे फांसी दो, हाईकोर्ट अपहेल्ड करे, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करे ताकि जस्टिस डिलीवर हो। और दूसरी चीज यहाँ पर जो कुनन पोशपोरा में 90s में हुआ वो लोग आज 30 साल के बाद भी जस्टिस अवेट कर रहे हैं। खुदारा 30 साल हो गए शायद, उतनी शायद मेरी उम्र भी नहीं है, 30 साल हो गए उस चीज को। मुझे बताओ देर इज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, प्लीज मैं आपको बाइट देता हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए, प्लीज आप थोड़ा पीछे रहिए। एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो जो इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बना है ना उसको सुप्रीम कोर्ट, प्लीज भाई सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है वो बोलता है अगर एक औरत इफ ए वुमन एक्यूज समबडी ऑफ मोलेस्टेशन टेक इट एज एन एविडेंस पर से एंड इन्वेस्टिगेट, ये सीरियस मैटर है। अगर एक औरत ये बोलती है कि मुझे किसी ने तंग किया या छेड़ा तो उसको एविडेंस लीजिए प्राइम ऑफिशियल और इन्वेस्टिगेट कीजिए। कुनन पोश पूरा एक दो पूरे विलेजों की औरतें बोलती है हमारा रेप हुआ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की वहां पर जो जस्टिस मैकेनिज्म वो वहां डिलीवर नहीं होना चाहिए? खुदारा अगर आप कुर्सियों पर बैठे हैं तो कुनन पोस्ट पूरा पर भी जस्टिस दीजिए। खुदारा शर्म कीजिए कि आप भी उसी माँ के वॉर्म से आए हैं, वो भी एक औरत थी, मेरी भी पर्सनली गलती हो सकती है, हम सबकी पर्सनली गलती हो सकती है, लेकिन उसको सुधारिए। 30 साल हो गया कुछ तो शर्म कीजिए, आप भी माँ के कोखों से ही आए हैं। पुनन पोशपुरा अभी तक जस्टिस अवेट कर रहा है, प्लीज जब आपकी दामिनी को मिला है जस्टिस जो उसको मिलना चाहिए था, उस पूरे दो गांव के औरतों को भी जस्टिस मिलना चाहिए, वो भी किसी की माँ बहने हैं, वो भी हमारी माँ बहने हैं। हम लोग ओसफा आप शर्मिंदा है, काले काले जिंदा है, ओसफा आप शर्मिंदा है, काले काले जिंदा है, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, कश्मीर स्टैंड फॉर आसिफा, कश्मीर स्टैंड फॉर आसिफा, यूथ स्टैंड फॉर आसिफा, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हैंग देम रेपिस्ट, हैंग देम रेपिस्ट, हैंग देम रेपिस्ट। और देखो कितने जलील लोग हैं, डेलीबरेटली ये प्लान किया गया प्लान। अब वो क्योंकि ये लोग आमतौर कहते हैं एम एस एल एच फुट पलो बोर लग फुट पलो, तो मे सो खबर क्या मे सो कर्म रेप क्या मे खुदा सब फरमाना वरमाना थोमुत कहीं। एक छोटी बच्ची है, प्लान करके आप 8 साल की छोटी बच्ची का रेप करते हैं ताकि कम्युनल वायलेंस हो और आप इलेक्शन जीत जाए, कितने घटिया लोग हैं। और मैं लोगों से भी कहता हूँ जहां भी जो हमें कवर कर रहे हैं इस वोट ट्रामा की अच्छा सोच पथी, इन लोगों को आप चुनते हैं। कल तक वो बीजेपी मिनिस्टर था और बोल रहा था कि बीजेपी, आज उसको निकाल दिया तो आज वो बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहा है। जिस मिनिस्टर को निकाला ना आज वो ये बोल रहा है कि बीजेपी ही ऐसी वैसी पार्टी है। मेंटली रिटार्डेड लोगों को आप अपना लीडर बना रहे हैं, किन चोरों को, किन डाकुओं को। जस्टिस मार्कंडेय कड़जू कहता है कि मेजोरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री आर डाकूस और लुटेराज, किन डाकुओं को, किन रेपिस्ट को, किन चोरों को। अगर कह करना सून बच कर् जीर करना आज चुना लकुट बच आ मामूली जीर कम कहने तम कर मल सरान अगर तुम कहें अगर मजीरे करना मल छाना इस क्योंकि हम लोगों की कॉन्शियस जिंदा है, कौशन कॉन्शियस जिंदा अच्छा कॉन्शियस मूवमेंट कहीं। ये जलील कौन क्या ये आपके जो लीडर्स है किन लीडर्स को आप चुनते हैं? जब आप इस लीडर को चुनते हैं तो ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये रेपिस्ट है तो आप भी रेपिस्टों में शामिल हो जाते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग फॉर दीज पीपल। हमारे लोग हैं पार्टी में आते हैं इलेक्शन जीतते हैं रुख शासन गोडस नेरा अख मैडम अख लालटीन है हाँ बदल सा मुझे तन गर सह मुझे नचू अमिस में करू कहीं ये वन तो उमर अब्दुल्ला दह गो जोठ गो गोवा कहीं गोन ठीक पत पान आय सू ठीक पत मूद यूत बच पर्वा कहीं पत दो कि अगर कुन जाए एनकाउंटर गुचा मिठाई टॉफी आनी शायद उम्र गुम जस्टिफिकेशन छोटा बच्चा है उसको मारते हो ये जस्टिफिकेशन है? अगर तुम कन लगाओ कन फॉर एग्जाम्पल इशा कुछ जाए रू ये कोई लॉ है कोई पत्थर मारेगा उसको गोली मारोगे आप ये लॉ है? अब मुझे बताओ अगर लॉ है मैं मानूंगा लॉ है ये तो लॉ नहीं है।
आप लोगों ने मजाक बना के रखा है रूल ऑफ लॉ का। आप अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कीजिए मैडम, आप अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कीजिए सर, अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कीजिए। हम नहीं कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बात नहीं करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर बात करते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रूल ऑफ लॉ, हम ये बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी हम निभाएंगे, हम निभाएंगे। मैं अपनी फंडामेंटल ड्यूटी अभी निभा रहा हूं, मैं वुमन का रेस्पेक्ट अपहेल्ड कर रहा हूं, ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है। हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटी जो है अपहेल्ड कर रहे हैं इस वक्त। आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज, जब आपने ओथ लिया था तो क्या जस्टिस का ओथ नहीं लिया था, लिबर्टी का ओथ नहीं लिया, इक्वालिटी का ओथ नहीं लिया, फ्रेटर्निटी का ओथ नहीं लिया था? आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं वो? आप क्यों डबल स्टैंडर्ड्स लगा रहे हैं? रूल ऑफ लॉ यहाँ पर क्यों नहीं होता है? आपने यहाँ पर अफ्सपा लगा के रखा है, आपने यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगा के रखा है, वो क्या रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं है? इट्स एन इमरजेंसी लॉ, कब तक वो यहाँ पर लागू रहेगा? कब तक लागू रहेगा आप मुझे बताइए? ये एक नॉर्मल एरिया सा है, यहाँ भी अफ्सपा चल रहा है, कैसे एक नॉर्मल एरिया है ना, इसमें नॉर्मल नंबर इतमश का भलाई खुदा मस्जिद का, कैसे यहाँ पर कैसे डिस्टर्ब एरिया कैसे यहाँ पर चालू है बताइए मुझे? वो तो इमरजेंसी लॉ है, आपके 10 सालों से 20 सालों से इमरजेंसी लॉ कंटिन्यू 90 से चल रहा है वो, क्या बात है? हम लोग ह्यूमन नहीं है यहाँ पर, हमारे ह्यूमन राइट्स नहीं है? ये तो एक केस है, दिस इज वन केस इन पॉइंट। ऐसे तो पता नहीं कितने केसेस कश्मीर में, पता नहीं कितने केसेस ऐसे ही हो और पता भी नहीं है किसी को, सही है ना? पूछा किनकी है, पूछा कश्मीर में कितनी आसिफाएं हुई, किसी को पता भी नहीं, अशन पाई थी कहीं, माच पाई कहीं कश्मीर 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 से अख चीज वना एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ऐसा दराव गए क्या आने वापस कहीं, सुचना मूदमत सुमूद ना इमिस पृथ्वी गए घर आने वापसी सुमूद ना मूदमत सुकी मूर सुमूरा गए क्यों सुकी मूर ना डाकू सुमूर ना चोर वो इस इंसानस मारे बेगुना इंसानस मारे इनोसेंट इंसान मारे सुचना डाकू सुचना चोर सुबह मोर तिले जो हमारे इतने सारे हजारों में लोग जो है डिसअपीयर हो गए, हमारी लड़कियां घर से निकल गई डिसअपीयर हो गई, डिसअपीयर सिर्फ लड़कियां ही नहीं हुए ना, लड़कियां भी डिसअपीयर हो गई ना, खुद गए तुम, वो कहां गई? ये आसिफा एक केस है, ये एक केस स्टडी है, ये ऐसे हो रहा है यहाँ पर, प्लीज इसको बंद कीजिए इस चीज को आप, ये बहुत हो गया, बस आप बहुत हो गया, ये आपका जिंगोस्टिक नेशनलिज्म बहुत हो गया, बंद कर दीजिए इसको आप, हमें आप भाषण अपना अपनी डेमोक्रेसी का भाषण अपनी जिंगो नेशनलिज्म का भाषण अपने पास रखिए, अर्णब गोस्वामी अपने पास रखेगा, उसको अंग्रेजी आती है, उससे ज्यादा अंग्रेजी आती है हम सबको, उससे अच्छी अंग्रेजी हमें आती है, वो भाषण दे रहा है हमको, वहां पर बंद करो, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ लगाओ, यहाँ पर पीस लगाओ, यहाँ पर अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करो, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करो यहाँ पर, अपनी ये बकवास जो है अपनी थर्ड ग्रेड मेंटेलिटी जो है अपने पास से रखो, इम्प्लीमेंट योर कॉन्स्टिट्यूशन इन कश्मीर, इम्प्लीमेंट माई कॉन्स्टिट्यूशन इन कश्मीर। मैं यहाँ पर फिर आपको कहता चलूँ, ये बात करते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर बात करते हैं, हमारा कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 377, यही है ना 370, हमारा 370 कौन सा सेक्शन है 370, हमारा अपना रणबीर पिनर कोर्ट चलता है, आईपीसी चलता है, यहाँ आरपीसी चलता है, अशुपन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा मिनिस्टर कोई ओथ लेता है ना तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ लेता होगा वो, स्टेट ऑफ जैंड के, तो ये ध्यान रखिए आप, हम सड़क पर नहीं आना चाहते हैं भाई, हम आपके जैसे लोग हैं, पेन हाथ में रखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सुबह नींद से उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, कोई बैंक में काम करता है, कोई स्कूल में काम करता है, कोई पटरी पे काम करता है, शाम को खाना खाएंगे, अपना बच्चा स्कूल में जाएगा, कोई बीमार होगा तो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा, हम नॉर्मल से लोग यही चाहते हैं, अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारे, अब ऐसे एपिसोड्स हमारे साथ मत करो, तो हम लोग फिर जो है सड़क पर आएंगे, अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम स्कैंडल लेकर आते हैं और क्या करेंगे, तो प्लीज, और हम जब सड़क पे आते हैं तो जस्टिस डिलीवरी होती है, अगर हम सड़क पर नहीं आएंगे तो काम ऐसा होता रहेगा, आप प्लीज ये इंश्योर कीजिए कि हमें सड़क पर कभी आना पड़े, अगर मुझे सड़क पर आना पड़ रहा है तो ये गलत है, दिस इज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ऐसा मैकेनिज्म रखिए इनबिल्ट, आप ऐसा इनबिल्ट मैकेनिज्म रखिए कि मुझे सड़क पर आना ना पड़े, अगर कहीं पर कुछ डेलिंक्वेंसी होती है तो उसको आप बाय इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खुद ब खुद ठीक कर दे, हमें सड़क पे आने की जरूरत ना पड़े, आई होप आई एम वेरी क्लियर है, और मैं फिर से कहता हूँ वो एप्लीकेबल कॉमन यहाँ पर जो सारे लोग हैं, सारे कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है एक्सेट्रा, हम सिर्फ कॉमन सिविल सिटीजन की तरफ बात कर रहे हैं, कॉमन सिविल सिटीजनरी की तरह बात कर रहे हैं, वी आर ओनली कॉमन सिविल सिटीजन्स हियर, वी डू नॉट हैव एनी एफिलिएशन विद एनी टॉम डिक एंड हैरी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी एनजीओ, एनी फैंस, हमें किसी के साथ कुछ भी नहीं, हमें आम शहरी के नाते, क्योंकि हमारा दिल भी दुखता है जब ऐसी चीजें होती है।
लास्ट में हम स्लोगन देंगे और हम पीसफुली डिस्बर्स हो जाएंगे सारे, ठीक है। जस्टिस फॉर आसिफा, जस्टिस फॉर आसिफा, जस्टिस फॉर आसिफा, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आप सब लोगों का बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आप। ये हारे का फारसा